ओम नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधुओं, आज का वीडियो भी बहुत ही गंभीर विषय पे बनाया जा रहा है। गंभीर विषय यह है कि हम सब वशीकरण तो करना चाहते हैं, मगर अधिकतम लोग, ज़्यादातर लोग इसको कर नहीं पाते हैं। मगर हाँ, ऐसे कई जातकों को, कई लोगों को, कई शिष्यों को हम जानते हैं जो वशीकरण करने में सफल रहे हैं। आखिर कैसे कर लेते हैं ये वशीकरण? आखिर कौन हैं ये लोग? किस वजह से ये कर पाते हैं वशीकरण, हम आपको बताएंगे। वशीकरण करने के हमने बहुत सारे उपाय आपको पहले भी बताए हैं, आगे भी बताते रहेंगे, मगर उनको करने से पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर किस वजह से वे वशीकरण कर पाते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, हम आपको कुछ नियम बताते हैं जो वो लोग मानते हैं, करते हैं, जो वशीकरण करने में सफल रहे हैं। तो पहला नियम यह है कि जैसा आपको बताया जाता है वशीकरण करने के लिए, जो विधि बताई जाती है वो विधि ही अपनाएं। उसके अलावा कुछ और करने की कोशिश ना करें। जैसे कि कई बार ऐसे हमने बताया है कि कोई वस्तु अशोक के पेड़ के नीचे दबानी है, हमने साफ साफ बता दिया है, उसके बावजूद भी लोग जातक हमसे ये पूछते हैं कि अशोक का पेड़ नहीं है तो हम किसी दूसरे पेड़ के नीचे इसको दबा दें। जी बिल्कुल नहीं दबाना है किसी दूसरे पेड़ के नीचे, आपको बस जैसा बताया है वैसा ही करना है। अगर अशोक का पेड़ नहीं है या जैसी विधि बताइए वो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं तो उस विधि को मत करिए, हमारा दूसरा उपाय देख लीजिए, आप शायद वो कर पाए। तो उसको चेंज नहीं करना है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। ये था पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि जब आप वशीकरण की विधि कर रहे हों तो पूरी एकाग्रता से करें। पूरी एकाग्रता से मतलब पूरे ध्यान लगा के करें, अपना 100% उसमें लगा दीजिए। जब आप करें तो आपका पूरा ध्यान पूरी विधि पर हो, जैसा बताया वैसे करिए, और जिसके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं और उसका ध्यान हो बस दिमाग में, और कुछ ना हो, इधर उधर की बात ना हो। 100% मतलब 100% आपका दिमाग वहीं होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है आपका 100% नहीं हो पा रहा है दिमाग वहां, तो उस विधि को उस वक्त मत करिएगा। यह था दूसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि यदि आप तीसरा नियम यह है कि जब आप वशीकरण का विधि कर लेते हैं, वशीकरण की विधि पूर्ण कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको उस उपाय के बारे में कुछ नहीं सोचना है, वशीकरण के बारे में नहीं सोचना है, जिसके लिए वशीकरण करा उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो करना है वह उस उपाय को करने दीजिए जो आप कर चुके हैं। अब उपाय काम करेगा, विधि जो आपने करी है वह काम करेगी। अब आप वहाँ से पूरा का पूरा दिमाग हटा दीजिए, अब उस उपाय को अपने आप काम करने दीजिए। आपको पूरे दिन उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, उसके उस विधि करने के बाद। तो ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नियम ये है कि जब आप विधि कर लें तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको विधि वाले दिन ना कुछ गाली गलौज देनी है किसी को, ना किसी से झगड़ा करना है, ना जुआ खेलना है, ना शराब पीनी है, अशुद्ध नहीं करना है उस विधि को। उस दिन पूरे दिन आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है। और आखिरी नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप जिसका भी वशीकरण करें उसका आप गलत ना सोचें। गलत क्रिया के लिए, गलत काम के लिए वशीकरण कतई ना करें, आपको उल्टा पड़ सकता है। यदि आपने वशीकरण को गलत काम के लिए इस्तेमाल करा, शारीरिक संबंध के लिए या किसी भी गलत काम के लिए, सिर्फ इसी गलत काम के लिए करा,
तो आप बिल्कुल मत करिए, उल्टा पड़ सकता है। जी हाँ, पहले ही बता देते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, आप प्यार करते हैं किसी से, प्रेम करते हैं, उसका आप वशीकरण कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा काम करने के लिए उसको आप करना चाहते हैं वशीकृत, तो आप करिए। मगर अगर आप गलत सोच रहे हैं, गलत भावना है, तो आप कतई ना करें, हम आपको पहले ही बताते हैं। तो बंधुओं, ये जितने भी नियम बताए हैं हमने आपको, ये नियम वशीकरण जो करने में सफल हो जाते हैं, वह इसको अपनाते हैं, इन नियमों को बड़ी सटीकता से करते हैं, तभी वे सफल हो पाते हैं। हमने अपने शिष्यों को भी बताया है, अपने जातकों को भी बताया है, वे सभी इन नियमों का पालन करते हैं, और जो सफल हो जाते हैं इन नियमों का पालन करने में, वे वशीकरण करने में भी सफल हो जाते हैं। तो आप भी इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। हम आगे भी वशीकरण की वीडियो बनाएंगे, हमने पहले भी बनाई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि वशीकरण करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, बस चंद बातों का ध्यान रखना होता है। धन्यवाद।